दोस्तों ये YTC स्मार्ट पोजिशनर है, आप लोगों को पता है YT25। तो यह है मॉडल नंबर YT2500। ये कंट्रोल वाल्व में पहले न्यूमेट्रिक पोजिशनर था, अभी इसमें स्मार्ट पोजिशनर लगाए हैं हम लोग। ये एक प्लेट है, माउंटिंग प्लेट, इधर माउंट क्या है उसमें, इसको माउंट क्या है, ये लिंक जो है इसको लगाया है इधर कपलिंग के साथ वाल्व का। ये वाल्व का ऑपरेटिंग जोन है स्ट्रोक लेंथ। तो ये कनेक्शन है ऊपर का जो है डिमांड का, और ये जो आउट लिखा है प्लस माइनस, ये है फीडबैक का जो कंट्रोल में जाता है। कनेक्शन हो गया, अभी मैं इसको इंजेक्टर के जरिए इसको ऑपरेट करेंगे, पहले कैलिब्रेशन करेंगे। ये मैं अभी 12 mA इंजेक्ट किया है, और इसका ऑटो कैलिब्रेशन जो है पहले इंटर मोड को 5 सेकंड के लिए दाब के रखना पड़ेगा, फिर ऑटो कैलिब्रेशन मोड में आएगा, फिर अप डाउन करके हैंडकल है, मैनुअल कैलिब्रेशन है, ये पैरामीटर है, ये मैनुअल एडजस्टमेंट है, ये ऑटो कैलिब्रेशन है। ऑटो कैल में इंटर करके ऑटो 1, 2, 3 है, 2 में करेंगे मैनुअल के हिसाब से, 2 इसको चेंज करेंगे। अच्छा, ऑटो कैल इंटर, ऑटो कैल अप डाउन, डाउन करके ऑटो कैल 2 में देके इंटर मार देंगे। अभी ये मैनुअल कैलिब्रेशन ऑटोमेटिकली होगा, कैलिब्रेशन हो रहा है। ये फाइंड जीरो पोजीशन इसका फाइंड करेगा अभी। और एक इसका ऑटो कैलिब्रेशन का जो है क्विक ऑटो स्टेट जो है ये इधर लिखा हुआ है, इनपुट 12 mA, उसके बाद हाफ बटन जो है 3 सेकंड उसको प्रेस करके रखना पड़ता है, उसके बाद ऑटो कैलिब्रेशन शुरू हो जाता है। अपने आप 0, 100, 50 पोजीशन देख रहे हैं। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, जैसे मिलियंस में अभी 12 दिया हुआ है, तो इसीलिए अभी 50% है। अभी इसको 20 कर दिया, ये अभी रिवर्स में है, वाल्व पूरा क्लोज हो गया। अब इसको कम कर रहा हूँ अभी देखिए, ये वाल्व ऊपर की तरफ उठ रहा है, पोजीशन इधर फीडबैक दिखा रहा है। कैलिब्रेशन रेडी है। Thank you for watching this video.